हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। प्लीज सब सरक इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और है आज ईद का दिन। ईद मुबारक मैं जब बोलूँगी, जब मैं रेडी हो जाऊँगी और कुछ से अभी उठ जाएंगी। तो मैं बस उठ चुकी थी और 5:30 बजे नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने कुछ काम कर लिया। काम ये जैसे कि पानी वगैरह उबालना, क्योंकि उसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह ही कुर्बानी हो जाती है और फिर उसके बाद ना कुर्बानी के बाद एक हड़ाहुड़ी मच जाती है। ईद का दिन चाहे वो छोटी ही तो बड़ी ही तो बड़ा हड़ाहुड़ी वाला होता है, बहुत काम होते हैं आज के दिन। तो आज की व्लॉग में आपको वो सारा हम आपको बताएंगे कि हमारा दिन कैसे गुजरता है, कैसे ईद मनाते हैं, कुर्बानी के बाद क्या होता है, कैसे होता है, तो बने रहिएगा। और ये देखो ज़रा, रात में जो है ना सारा मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो लीचड़ भाई है ना, ये गाय भैंसों की जो मट्टी होती है ना, ये घर में लेकर आ जाता है और ये अभी भी लेकर आ गया। मतलब मुझे सुबह सुबह भी सफाई करनी पड़ेगी, इतना गुस्सा आता है ना इस वक्त। पूरे घर में ऐसी मट्टी हो रही है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब ऐसा कि किसी ने आगे हाथ से डाल दिया एक्स्ट्रा। और फिर मैंने टीवी में सूर्य बकरा लगा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ डेली फजर की नमाज़ के बाद सूर्य बकरा लगाई जाती है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी प्याज काट दूँ ताकि वो खाने में इस्तेमाल हो जाए, और जल्दी यह काम शैतान का होता है, हाथ कट गया। तो हम जा रहे हैं नीचे, गाय को देखने। तुम्ही ने तो बोला कि वो कटने वाली है, भाई ने आके बोला कि गाय जो है वो थोड़ी देर में कुर्बानी हो जाएगी। तो मैंने प्याज व्याज ऐसी छोड़ी, मैंने कहा पहले गाय से जाके मिल लेते हैं आखिरी बार, फिर आके हम प्याज को कंटिन्यू करेंगे। लो इसने तो मुझे डराई दिया, ये तो तेरी मुंह पे खड़ी है, इधर आओ। मैं सब खड़ी हुई है, ये भी तुम खड़ी भी तो नहीं हो ना। अच्छा वो सब खड़े हैं इंतज़ार में, वो अच्छा वो गाय गिरने वाली हो। अरे लो तो खुली भी है शायद, मैं तो ऊपर जा रही हूँ, अंदर ही आ जाएगी। या ये खुली हुई है क्या? नहीं। तो इतना आगे क्यों बांध दिया इसे? इतना आगे ये देखो, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर आ जाएगी, बिल्कुल डर गई। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको प्यार करो। है देख, मुझे अभी भी मार रही है, ये अभी भी मार रही है। हेलो, ओके, हाय, सुनो नहीं मारेगी, नहीं आ जाओ कर दो। देखा मार रही है। ये वो जा रहे हैं वहाँ कुर्बानी देखने, ये बहुत अपसेट हुई हुई है, वहाँ जा रहे हैं कुर्बानी देखने। अच्छा भाई चलो, अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, इससे पहले कि ये मुझे ना मार ही दे। मुझे तो लग रहा है इधर इतने गुस्सा है ना, ये घुसी जाएगी दरवाजे में। अब हम जाके अपनी प्याज कंटिन्यू करते हैं और उस पर जब वो सनी प्लास घुसाते हैं, इससे पहले अम्मी उठे हैं और वो मुझे देख के डांटे कि मैंने अपना सुबह सुबह हाथ क्यों काट लिया, वो भी ईद वाले दिन। बैक टू वर्क, प्याज कट प्याज कट गई है, पानी हमने उबाल लिया और चाय यहाँ पर रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमने जो है यहाँ खाना नाश्ता सबके लिए लगा दिया है। बहुत ज़्यादा सुकड़ों वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि मैं इतना काम एक साथ कैसे कर सकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी एडजस्टिंग करने, क्योंकि मैंने कल कर दी थी, लेकिन मैंने कहा कि एक बार थोड़ा सा फाइनल टच दे देते हैं, सफाई कर देते हैं, फिर सुकून से नाश्ता करके कुर्बानी हो जाएगी, फिर तो गोश्त आ जाएगा। तैयार अभी नहीं दिखेंगे हम आपको, तैयार होंगे हम शाम में काम करके, वरना गोश्त की वजह से कपड़े ख़राब हो जाएंगे ना। हाँ ये आया यहाँ पे अपनी गाय के साथ आखिरी कुछ लम्हात में क्लिप बनाते हुए, अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानी कबूल करे। क्यूट, यहाँ पे कुछ कुर्बानियाँ होना भी शुरू हो गई हैं। अब हमारी गाय की बारी है, गाया का दिल नहीं चाह रहा कि गाय कुर्बान हो। मैं और अम्मा यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो हमारी गाय की बारी आएगी।
वैसे वो कट जाती अब तक, पहले नंबर था उसी का, लेकिन हमारे भाई को अपनी मोहब्बत जाग गई, उसके दिल में ममता आ गई थी अपनी गाय को लेके, क्योंकि वो इतने दिन से उसका ख्याल लग रहा था और अभी भी पिछले आधे घंटे से उसको बीच रोड पे लेके खड़ा हुआ है वहीं, उसकी तस्वीरें ले रही है। हर गाय के साथ ऐसे ही करता है आई थिंक, लड़के ऐसे ही होते हैं ना अम्मा, उनको अटैचमेंट हो जाती है अपनी गाय से ना। इसने तो नाम भी रख दिया था बुलबुल, बताइए ज़रा ये कोई नाम कोई सेंस बनता है इस नाम बुलबुल आ नहीं तो। 15 मिनट्स लेटर ये हमारी गाय अल्लाह को कुर्बान होने जा रही है। गाइस आपको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। मैं उठ चुकी थी और बस मैं उठकर थोड़ा काम में मसरूफ हो गई थी, ऐसी उन्होंने कि आज ईद का पहला दिन है और बहुत काम है, तो हमारी गाय कुर्बान हो चुकी है आपने देख लिया है वीडियो में। और बस अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, ये देखें कलेजी, अब मैं इसको धोऊंगी और फिर उसके बाद हम वॉश करने के बाद इसको पकाएंगे, फिर बांटेंगे सब में, कलेजी पकेगी तो सब में बटेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कोई खाता नहीं है कलेजी, तो ये हम बांट देंगे मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों में। और ये सारे मसाले आ चुके हैं आज, इनको मिलाकर हम बनाएंगे मज़े मज़े की डिशेस। और ये हमारे हमदू आज वॉकर में बैठे हैं गाइस, तो यहाँ पे मैंने कलेजी चढ़ा दी है और ये सब इसका तामझाम फैला हुआ है और ये यहाँ पे इसका मसाला पिस रहा है। माशाल्लाह हमारे यहाँ गोश्त आ गया, ये बैठ गई हैं मेहंदी वाले हाथ लेके, ये हमें बता रही हैं कैसे लगाने हैं इससे। ईद मुबारक बोल दें तो। और ये भी आई है गोश्त लेने, आए आए मतलब बिल्ली आ रही है, तुम गोश्त खाने आई हो बेटे, अच्छा तुम्हारी बिल्ली तो लेके जाओ इसको अपने साथ, चलो बेटा बाहर जाओ, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। गाइस हमारी यहाँ बिल्ली आ गई जो सोफे के नीचे बैठी है और सोफे के ऊपर भाभी बैठी है, चिची बिल्ली बाहर आओ, किटन कैट बिल्ली की बच्ची बाहर आ जा, ये अम्मी आई है, ये अम्मी आई अपनी बहू को बचाने के लिए, नहीं निकली कहना नहीं यार, जॉब ही नहीं निकली, कहना जल्दी से आ जा, या अल्लाह या अल्लाह, बिल्ली पे लड़ाई हो रही है, सारे काम रुक गए हमारे, ये भाभी आई, ओ वाओ ये निकली बिल्ली, भागो भागो नहीं, आने दो बाहर, आने दो आने दो, आ जाओ म्याओ बिल्ली, आ जाओ बेटे, या अबीबा वाइपर लेके बिल्ली भगाएगी, मेरी जान बेटे निकल जाओ, काम है हमें बहुत, चलो बाहर आओ, नहीं आ रही यार, मैं क्या बता रही हूँ, एक बोटी लेके जाओ आ जाएगी, ये ऑलरेडी पली हुई है बाहर ही रहती, ले जाओ बोटी लेके जाओ, मैं देखे कहना तुम ले जाओ, या अल्लाह यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है बिल्ली के लिए, ऐसे नहीं जाएगी जब तक भाई का ऐसे चौहान मार दूंगी। कल आप लोग कह रहे थे इसको गोद में उठा लेती, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, बिल्ली बैठी है, अच्छा वॉशरूम नहीं धोया, जीनियस आया है बिल्ली भगाने, नीचे नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, अच्छा अच्छा सॉरी, अल्लाह हाफिज, अब अगर ये पली ना कुछ से फातिमा तुम्हारी शीशी 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 काम आएगी, कहाँ मेरा सोना इस घर में बड़ा मुश्किल, ये मैं लेके जा रही हूँ थैला, इसके अंदर हम ये पाए रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा गोश्त सिमट गया है और बस अब ये हिस्से जो हैं वो बटने जा रहे हैं अल्लाह का शुक्र। अब मैंने अपने हाथ में कुछ कारस्तानियाँ कर ली है, अच्छी लग रही है मुझे, सिंपल सी गोश्त की आ रही है, इनके हाथों में माशाल्लाह, ये शादीशुदा लोग हैं, ये सिंगल लोग हैं।
हाँ मेरी मेहंदी खराब हो गई है, तो खराब नहीं हुआ छप गई। मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, देखें लाल लाल हो रही है, और ये मैंने गलती कर दी मेहंदी चपेट के अपने हाथ पे। शुक्र है इतनी थोड़ी लगाई है, अगर मैं भर के लगवा लेती तो मेरा तो दिवालिया निकल जाता है। इस सब मेरे जो है ना स्किन में दाने हो रहे हैं, और ये लगाने के बाद जब जलन मची है ना मेरे, तो मुझे हुआ एहसास मैं बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ। गलती कर दी बॉस। वैसे मैं उन बर्गर बच्चों में से हूँ जो कि कलेजी नहीं खाती, और मेरा मैगी खाने का प्लान था सोच कि मैं मैगी खाऊंगी आज, बट क्योंकि मेहमान आए हैं हमारे घर पे स्पेशल तो हमने पराठे के साथ कलेजी खाई। इसे सालन खाऊंगी मैं, कलेजी मैंने साइड पे निकाल के रख दी। ओके जी गाइस, तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, और फ्रेश होके मैं बैठ गई हूँ अब खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और हमारे यहाँ ये आए हैं गोश्त लेने, गोश्त मांगने आए हो तो गलत बात नहीं, गलत बात बोलो। हाँ ऊपर से कलेजी भी फोड़ ली हमारी, हमने बनाई थी, 7-Up पीजिए, गम भुलाइए। आपने खाई? हाँ लेकिन मैंने कलेजी नहीं खाई, बस सालन खा लिया कलेजी। आप खाते हैं? इन्होंने मंड के खाई है। आँखों में जवान नहीं है, नींद में टूना है ये। एज़ यूजुअल हाँ एज़ यूजुअल हमारी ईद तो एवं ही गुजरती है आज की। हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो हबीबा मेरे हाथों पे मेहंदी लगा रही हैं, भाभी और भाई तैयार हो रहे हैं, अम्मी चाय पी रही हैं। अम्मी मेरे YouTube फैमिली को ईद मुबारक बोले, वेरी गुड। बिस्किट भी खा रही हैं अम्मी, और ये लग रही है मेहंदी। लेट्स सी इसके बाद हम क्या करते हैं। हेलो गाइस, इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है मैंने, ये देखे वाओ सो मच ब्यूटीफुल। हम दोनों के साथ आज ही हो गए, तो मैं नहीं लगवानी थी तो बता दी थी, मुझे दो बार तो मेहंदी खराब कर चुकी हूँ। मुझे याद नहीं ना, बहुत अच्छी याददाश्त अभी लगाई थी, टिश्यू उठा दो, खुद ही उठाओ जाके। अब तुम है हमारा रात का खाना जो कि भाभी बना कर गई हैं। तो जी हमारा ईद का पहला दिन होता है यहाँ पर ख़त्म, जो कि काफ़ी बोरिंग था, और हम तैयार भी नहीं हुए, क्योंकि तैयार होने का कुछ मतलब पर्पस होना कि हम कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है तो हम तैयार हों। एक तो इतनी भयंकर गर्मी होती है, तैयार होने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ तो मैं इन्हीं में हूँ। उसके बाद दोपहर में हम सब सो गए थे, गोश वोश भाई बांट कर आ गया था, और क्या नाम है, इस टाइम पे मगरिब हो रही है, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। अब भी कोई प्लान्स नहीं कहीं जाने के, पहले सब क्या कुर्बानी होती, सब बिज़ी होते हैं, तो किसी का क्या जाना है, या कब, कोई आता भी नहीं है हमारे यहाँ, इसीलिए जब भी हमारे कज़न हैं, तो इसीलिए हमारा पहला दिन भी ऐसे ही गुजरता है। दूसरा दिन इससे ज़्यादा बोर गुजरेगा, सिर्फ सोते हैं खाते हैं सोते हैं खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ। सो इसी खुशी में डू लाइक कमिंग सब्सक्राइब करवा दो सबसे यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो। पिछली ईद से ये ईद आ गई, बोल बोल के थक गई यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ बाय। और ये मैंने मेहंदी से कुछ ज़्यादा ही अजीब सा चांद बना लिया अपने हाथ पे। ओके बाय।